स्टूडेंट क्लास सिक्स बुक द अर्थ अवर हैबिटेट ज्योग्राफी. दिस इज योर सोलर सिस्टम. यू कैन सी हियर. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम कविता योर सोशल साइंस टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6. सो योर चैप्टर नेम इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल में पृथ्वी. ठीक है, जो आपका पृथ्वी है वो सौर मंडल में. इस चैप्टर में बताया गया है कि आपका सौर मंडल, उसके बारे में बताया गया है, सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है, स्टार्स, मून्स, इन सब के बारे में, कोलेस्ट्रियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड, इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अबाउट फ्रॉम हियर. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. कौन सी bodies हैं ये? Celestial bodies. इसमें यही बताया गया है, जैसे sun, moon और all और बहुत सारी जो भी celestial bodies हैं, shining करती हैं night में. तो स्काई में तो हम उनको क्या बोलते हैं? कलेस्ट्रियल बॉडीज बोलते हैं. अब हम आते हैं इसके बाद स्टार पर. किस पर आते हैं हम? स्टार पर आते हैं. तो स्टार क्यों नहीं कहते हैं? स्टार की खुद की अपनी हीट एंड लाइट होती है और उसका काफ़ी ज़्यादा होल्ड होता है, उसमें गैस भी होती है. तो उनकी जो लाइट होती है वो क्या होता है, नाइट के टाइम पर ही नज़र आती है, दिन के टाइम नज़र नहीं आती क्योंकि सन की बहुत ज़्यादा लाइट होती है, इसलिए हम स्टार को दिन में नहीं देख सकते. बट जब सन सेट होता है तब से कुछ एक स्टार हमें नज़र आने लगती है. फिर हम बात करते हैं कंसेलेशंस की. सो जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं. सो कंसेलेशन इज नाइट में जब आपका जो स्टार होता है, आप स्टार को चमकते हुए देखते हैं, तो उसका जो आकार होता है उस आकार को आप बोलते हैं कंसेलेशन मीन्स नक्षत्र मंडल. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पोल स्टार के पास. सो जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं. सो पोल स्टार क्या होता है? पहले के टाइम के लोग क्या करते थे, डायरेक्शन पता लगाने के लिए स्टार्स का सहारा लेते थे, स्टार की हेल्प लेते थे. तो वही ध्रुव तारा जो है ये एशियन टाइम के से ही है. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को दर्शाता है. अब हम आते हैं प्लैनेट्स पर. ओके, अब आते हैं प्लैनेट्स पर. सम कलेस्ट्रियल बॉडीज डोंट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. जिनकी जो भी प्लैनेट्स किन्हें कहते हैं, जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं. सो अभी देखिए, एक्चुअली स्टार जो होता है, स्टार काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड गैस काफ़ी ज़्यादा स्टार में होती है और उनकी जो इमिट है काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रहता है. अब हम बात करेंगे इसके बाद, हम बात करते हैं आपकी एक एक्टिविटी के बारे में. सो वो एक्टिविटी है आपकी, सपोज मैं आप देखिए, आप तारे देखते हैं, स्टार देखते हैं, तो आपको लगता हुआ है हाउ इज़ इट पॉसिबल. तो हम इसको एक एक्टिविटी फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ, मैं उन्हें बोलूँगी और आप सबको वो एक्टिविटी घर पर कर देखना है. सो कैसे करेंगे आप? उसके लिए यू विल नीड वन पेपर वन टॉर्च, दोनों को लेंगे आप. और उसके बाद क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, टॉर्च के आगे लगा देंगे इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद उस टॉर्च को मिरर के सामने कर देंगे, उसमें से लाइट नजर आएगी. फिर आप क्या करेंगे, वो जो पेपर है उसमें होल्स कर देंगे, छेदे कर देंगे थोड़े थोड़े से इस तरह से, ठीक है, छेदे कर देंगे. फिर उसके बाद आप उसको क्या, जब उसमें छेदे हो जाएंगे, फिर आप जाएंगे रूम में, ठीक है, रूम में जाएंगे आप और लाइट ऑफ कर देंगे. लाइट ऑफ करने के बाद आप, जब सारी लाइट ऑफ हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, वो जो आपका पेपर जो आपने टॉर्च के ऊपर रैप किया हुआ होगा, उसको रबर बैंड की हेल्प से बांध देंगे, इस तरह से उसको
बांधेंगे, बांधने के बाद लाइट ऑफ कर फिर उसको स्टार्ट, किसको चालू करेंगे, ऑन करेंगे टॉर्च को। टॉर्च को ऑन करोगे तो जब अंधेरा रहेगा और जो टॉर्च आप यूज़ करोगे जिसकी लाइटिंग और जो होल्स आपने किए थे उससे ऐसा आपको होल्स के थ्रू और किसके थ्रू पेपर और टॉर्च के थ्रू आपको बॉल पर करोगे, आप दीवार पर उसकी रोशनी को चमकाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा जैसे आप कहाँ हैं, क्या दिख रहे हैं आप, स्टार देख रहे हैं। सो ऐसा आप लोगों को घर पर कर देखना है, फिर आपको वैसा ही फील होगा। तो आपको ऐसा लगेगा सेम यही प्रोसेस चलती है जब आपका जो डे होता है, दिन होता है, उस टाइम सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि आप जो स्टार है उनकी लाइट हमें नज़र नहीं आती है। जब नाइट हो जाती है मीन्स अंधेरा हो जाता है तभी तो हमें स्टार नज़र आते हैं। सेम ऐसे ही आप जब आपके रूम में आपके घर में ये एक्टिविटी को अप्लाई करके देखेंगे तो वैसे ही आपको फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। सो हमने अभी बात की इन कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में, अब हम बात करते हैं फुल मून एंड न्यू मून के बारे में। सो आपका जो फुल मून है, जब पूरा चंद्रमा जो है कब नज़र आता है आपको, पूर्णिमा के दिन नज़र आता है, और न्यू मून आपको नज़र आता है अमावस्या के दिन, अमावस्या की नाइट, ठीक है, मून नाइट जिसको कहते हैं, न्यू मून नाइट अमावस्या के दिन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। इज योर सोलर सिस्टम, द सन, एट प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स। सो दिस इज योर सोलर सिस्टम एंड हियर इज जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड दैम। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिज। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल telescopes. So here is your solar system picture. So let's see here. This is your sun, Venus, Earth. One second. So this is sun, first sun, and Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. And here is Neptune. So here we can see here Mercury. One orbit around sun 88 days. 88 days में इसका around sun ये अपना complete करता है and one spin as axis 59 days. Next is Venus. One orbit around sun 255 days. इस तरह से इनके जो डेज दिए हैं कितने टाइम में ये पृथ्वी की जो परिक्रमा है कब कंप्लीट करते हैं, कितना टाइम लगता है यहाँ दिया हुआ है। यू कैन सी हियर सब इसके बारे में दिया गया है। दिस इज़ इन योर बुक, ये आपकी बुक में दिया गया है, इसको अच्छे से आपको रीड करना है। ये और ये जो आपका सोलर सिस्टम का ये जो चार्ट है ये आपको आपकी CW में एक्टिविटी फॉर्म डाल ऐसे लिखना है साइड में पेज पर एक्टिविटी, और ये चार्ट आपको मार्केट से लेकर वहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं सन के बारे में दिया हुआ है। द सन इज़ In the center of the solar system, it is huge and made up of extreme hot gases. It provides the pulling force, the wind, the solar system. इस तरह से इसमें दिया हुआ है। और next ये हैं आपके planets in your book. There are 8 planets in our solar system in order their distance from the sun. जो अभी मैंने आपको chart की help से बताया कितने planets होते हैं 8, कौन कौन से, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके बाद ये ऑर्बिट्स के बारे में दिया हुआ है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ्स एंड दीज पाथ्स आर लोकेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इस तरह से इसमें दिया गया है। यहाँ फिर आपके अर्थ के बारे में बताया गया है। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन In the size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. इस तरह से इसमें बताया गया है। फिर इस साइड आइए आप,
यहाँ मून के से रिलेटेड जो मैंने आपको अभी बोर्ड पर स्टडी कराया ये सब इसमें बताया गया है। और फिर आता है आपका एस्ट्रॉयड, यहाँ आप एस्ट्रॉयड्स के बारे में देखेंगे। हियर अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। आपका जो 1.2 फिगर है उसकी हेल्प से देखिए। फिर आता है आपका मैस्ट्रॉयड, अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। इस तरह से इसमें दिया गया है। हियर इज योर यूनिवर्स, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। अभी हमने आपकी बुक में देखा सोलर सिस्टम को अच्छे से, एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड को। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एक तो मैंने आपको जो एक्टिविटी बताई है वो करनी है, और सोलर सिस्टम का जो चार्ट है वो फोटो में पेस्ट करना है एक्टिविटी के हर डिटेल। हमने पढ़ा स्टार, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, मून और टेरेस्ट्रियल बॉडी, सौर मंडल। इस तरह से हमने इस चैप्टर को कम्प्लीट कर लिया है क्लास सिक्स ज्योग्राफी को। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइज। सो बाय स्टूडेंट।